Good morning, students. Let's start with the next topic, that is theory of supply of unit 6, that is producers, behavior and supply. ये इस unit का last topic है, theory of supply. And students, what do you understand by the term supply? Supply से आप क्या समझते हो? मतलब दो हमारे पास main variables होते हैं, demand and supply. ठीक है, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कॉमोडिटी दैट इज दैट द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. सप्लाई क्या होता है कि वो क्वांटिटीज कॉमोडिटीज की जो एक प्रोड्यूसर रेडी है सेल करने के लिए मार्केट में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सप्लाई कौन करता है? अब हमें क्या सोचना है, एक प्रोड्यूसर बनकर. पहले हमने जो सप्लाई चैप्टर है, डिमांड से बिल्कुल रिवर्स चलेगा. क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डिमांड हम चैप्टर हमने जब किया था तो एक कंज्यूमर बन के सोचा था कि कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. नाउ व्हाट डज अ प्रोड्यूसर वांट? क्योंकि सप्लाई कौन करने वाला है गुड्स एंड सर्विसेज की? कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा. एंड व्हाट इज द मेन एम ऑफ द प्रोड्यूसर? द मेन एम ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू गेट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट और टू जनरेट मैक्सिमम इनकम इन द इकोनॉमी. दैट इज द मेन एम ऑफ अ प्रोड्यूसर. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड स्टॉक एंड सप्लाई. स्टॉक एंड सप्लाई, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस? स्टॉक एंड सप्लाई. स्टॉक इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक क्या होता है? इज दैट पार्ट ऑफ द कॉमोडिटी और द क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर इट्सेल्फ. वो सप्लाई जो वो प्रोडक्ट का, वो प्रोड्यूस का पार्ट जो कि किसके पास अवेलेबल होता है? प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होता है स्टॉक, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का विच इज विद द प्रोड्यूसर. और ये जो स्टॉक है, ये जो प्रोड्यूसर है वो प्रेजेंट के लिए भी यूज करेगा और जो फ्यूचर के लिए भी यूज करेगा. ठीक है. एंड सप्लाई क्या होता है कि स्टॉक का वो पोर्शन, स्टॉक का वो पोर्शन जो प्रोड्यूसर रेडी है सप्लाई करने के लिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस. ठीक है, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो भी रेज होती जाएगी. ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो बिल्कुल कम प्राइस पर कुछ, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, कि जितनी उसकी कॉस्ट है उस पर तो वो अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई नहीं करेगा. प्राइस बढ़ेंगे तो वो सप्लाई को और बढ़ा देगा. अगर प्राइस क्वांटिटी उसकी रेज होते जा रही है तो वो सप्लाई को भी रेज करता जाएगा. लेकिन अगर जो प्राइस हमारे कम हो गए तो वो सप्लाई को भी कम कर देगा. देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी. राइट, इसमें क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी की सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. और ये भी क्या होगा कि स्टॉक में से ही सप्लाई किया जाएगा. जैसे एक वाटर टैंक है, दैट इज अ स्टॉक. अब जैसे उसके साथ हम फ्लो कर देंगे, पाइप लगा देंगे, तो वो प्रोडक्ट्स जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. स्टॉक इज अ स्टॉक कंसेप्ट एंड सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट. क्योंकि फ्लो जो है वो तभी होगा जब कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो है वो रेज हो रहे होंगे. नाउ नेक्स्ट, देयर आर टू टर्म्स, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई. जैसे हमने बताया था दो टर्म्स होती हैं, सप्लाई एंड
quantity supplied. Students, आपको पता है कि there is a positive relationship between price and quantity supply. इसके बीच में positive relationship है. अगर मैं इस schedule को देखती हूँ कि prices अगर बढ़ रही हैं, ठीक है, तो जो supply है, quantity की जो supply है वो भी रेज होती जाएगी. प्राइस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ रही है, बट जो सप्लाई टर्म्स है दैट मींस द क्वांटिटीज ऑफ द क्वांटिटी द कमोडिटी क्वांटिटी ऑफ अ वेरियस द क्वांटिटीज आर ऑफर्ड फॉर सेल एट द डिफरेंट प्राइसेस राइट. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज क्वांटिटी सप्लाइड. जैसे हमने डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में किया था राइट. अब सप्लाई क्या है, ओवरऑल शेड्यूल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्वांटिटी सप्लाई. क्वांटिटी की सिर्फ सप्लाई हो रही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड हम किसे बोलेंगे, दैट हाउ मच क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट इज ऑफर्ड एट विच प्राइस. जब हम किसी कॉमोडिटी की बात करते हैं पर्टिकुलर प्राइस के अगेंस्ट, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड राइट. तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे आप यहाँ पर 12 यूनिट्स कब ऑफर किए जा रहे हैं, जब प्रोडक्ट का प्राइस 2 यूनिट्स है. अब हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई. Now we'll move towards what is supply schedule. Supply schedule is a tabular form which represents how many quantities of supply are offered at various prices or at which price. That is what called supply schedule. Supply schedule is of two types, that is individual supply schedule and market supply schedule. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है कि एक फर्म जो है, यहाँ पे हम अगर बात करते हैं, अगर एक सिंगल फर्म सिर्फ इतने ये टू कॉलम्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि एक फर्म सिंगल फर्म कितनी क्वांटिटी की सप्लाई कर रही है, कितने क्वांटिटीज को ऑफर कर रही है एट विच प्राइसेस, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है कि मार्केट में सपोज हम ये मानते हैं कि मार्केट में दो फर्म्स हैं, अब वो दोनों के दोनों फर्म्स मिलके ओवरऑल मार्केट में कितनी सप्लाई कर रही है, दैट मीन्स मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं उन पर्टिकुलर प्राइसेस के अगेंस्ट कितनी क्वांटिटीज को ऑफर कर रही है, दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्केट सप्लाई शेड्यूल. जब हम उनको टेबुलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये फर्म ए का सप्लाई शेड्यूल है, ये फर्म बी का सप्लाई शेड्यूल है. अगर हम दोनों को प्लस करते हैं, हॉरिजॉन्टल समिशन कर देते हैं, देन वी गेट मार्केट सप्लाई शेड्यूल. दोनों को प्लस करेंगे दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल सबमिशन करेंगे. जिस तरह से हमने डिमांड में लिया था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे राइट. यहाँ पर अब जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की हम बात कर रहे थे, तो सप्लाई शेड्यूल के साथ साथ जब हम शेड्यूल को डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं, रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म, दैट इज व्हाट कॉल्ड डिमांड सप्लाई कर्व. तो सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मीन्स जब हम एक फर्म के सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. जब हम मार्केट में सारे के सारे फर्म्स जितना सप्लाई कर रही हैं, अगर हम उनको एज अ डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई कर्व बोल देते हैं ठीक है. तो अब पहले देखते हैं कि फर्म ए का सप्लाई कर्व, जैसे हमने देखा सप्लाई कर्व, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था एक्स और वाई एक्सिस में, सप्लाई कर्व इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. व्हाई इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई.
कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे जो क्वांटिटी की सप्लाई है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप कर्व होता है। अब नेक्स्ट आता है कि सप्लाई कर्व जो है हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट क्यों होता है। जो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है जो इसके ये नीचे के प्राइसेस हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम सप्लाई प्राइस या रिजर्व प्राइस। क्योंकि जो कोई भी प्रोड्यूसर है वो जीरो प्राइस पर तो अपनी क्वांटिटी को सेल नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो मार्जिन रखेगा ना कि इतना स्टॉक है मेरे पास, अगर मार्केट में प्राइसेस यहाँ से स्टार्ट होंगे तो मैं सप्लाई करूँगा। तो जो अगर इससे नीचे रिजर्व प्राइस से नीचे प्राइसेस होते हैं तो वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी कॉस्ट भी तब रिकवर ना हो रही हो। तो इसीलिए जो ये गैप आता है इस गैप को हम बोलते हैं मिनिमम सप्लाई प्राइस और रिजर्व प्राइस, राइट। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो गया और ये फर्म बी का सप्लाई कर्व है, दिस इज आल्सो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। और जब हमने ये दोनों कर्व्स का हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टल मींस इस तरह से जब हम इसका समेशन कर दिया विल गेट मार्केट सप्लाई कर्व, तब हमारे पास क्या आ गया, मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। जब हमने फॉर्म ए और बी के सप्लाई कर्व को हॉरिजॉन्टल प्लस किया तो दिस इज आल्सो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। हॉरिजॉन्टल समेशन किया कि प्राइस वन पर कितनी सप्लाई रहेगी, प्राइस जब टू रुपीस हुए तब कितनी ओवरऑल सप्लाई है, प्राइस जब थ्री हुए तब ओवरऑल सप्लाई कितनी है, दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव स्लोप। सप्लाई कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ड्यू टू हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ दीज सप्लाई कर्व्स ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो हमारे पास हो गया सप्लाई कर्व्स को हमने डिस्कस कर लिया, इजी है, बहुत बच्चों के लिए इजी है क्योंकि आप डिमांड भी सेम एज इट इज कर चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, स्लोप हम किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स, आप पूछ रहे थे कि ये ट्रेंगल क्या होता है, ये ट्रेंगल नहीं होता, ये चेंज होता है। जैसे आपके प्राइसेस ओपी हैं, ओपी प्राइस पर कितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, ओक्यू क्वांटिटी की डिमांड हो रही है। सपोज अगर प्राइस ओपी से ओपी वन हो गए तो क्वांटिटी की सप्लाई क्या हो जाएगी, ओक्यू से ओक्यू वन हो जाएगी, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाएगा। क्योंकि ये अब इससे के साथ क्या होगा कि प्राइसेस में चेंज आने से क्वांटिटी की सप्लाई में कितना चेंज आया है, तो यहाँ से आप यही पता लगा ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, पहले कितना था अब कितना है, ठीक है। तो ये चेंज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, दैट इज व्हाट कॉल्ड द स्लोप। तो तभी तो ये आपको ट्रेंगल दिखता है, अदरवाइज हम बात किसकी करें, ये जो क्वांटिटी है क्योंकि ये बिल्कुल इसके पैरेलल चल रहा है ये वाला।